वेलकम टू दिस लेक्चर। आपको इस लेक्चर में इनऑर्गेनिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन का मुझे बताया जाएगा। बेसिकली जो जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको जो दो तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उन्हीं जो तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके में बेसिक आपको जो बेसिक होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो मैं आज स्टार्ट करूँगा। और फिर जो इसके हायर लेवल होते हैं जैसे वाटर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये जो तीनों आपको जो फर्दर हायर जो इसमें होते हैं जिसमें क्वेश्चन बुक बनते हैं वो आपको बताएंगे। तो अभी जब बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, जहाँ जो स्टार्ट होता है एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड से। तो क्या होता है एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड भाई? एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड होता है जो भी सॉल्ट कोई कंपाउंड बनता है दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट की कम्बिनेशन से, तो उसको एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड बनते हैं। तो एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड क्या हुआ? इट इज फॉर्मेड बाई द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट, ये दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट के कम्बिनेशन से बनता है। चलिए एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड, एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड, मोलिकुलर कंपाउंड क्या होता है भाई? इट इज फॉर्मेड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स, दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है। टू और मोर सिंपल सॉल्ट। अभी एग्जांपल लेते हैं इसका, KCl MgCl2 into 6H2O, दिस इज ऑफ कॉम्बिनेशन से दो या दो से अधिक कंपाउंड हुए सिंपल कंपाउंड उसी कंबिनेशन से। इसमें कितने कंपाउंड है? 1, 2, 3, दिस इज एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड। अब चलिए जी एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड कितने पार्ट में डिवाइड है भाई? तो एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसमें भाई? एक डबल सॉल्ट होता है और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट बनता है जब कंपाउंड बनता है दो या दो से सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से, तो अगर वह इक्विमोलर में है तो वह डबल सॉल्ट हुआ, अगर वह इक्विमोलर में नहीं है, इक्विमोलर में होता भी है किसी केस में नहीं भी होता है, तो उस केस को बोलते हैं कि क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेसिकली इसमें जो डिफरेंस क्रिएट कहाँ होता है, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड मोलिकुलर, कोऑर्डिनेशन और मोलिकुलर कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है? डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट बनता है आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ये वाटर भी अपना क्या करता है? आइडेंटिटी को पूरी तरह से यूज करता है, क्योंकि यह डबल सॉल्ट क्या होता है? आयनिक बॉन्ड से बना होता है, और जब उसको वाटर में डालोगे तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? यह पूरी तरह से एक्वा सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है। तीसरी बात, ये क्या करता है? सारे आयंस का पॉजिटिव टेस्ट देता है। क्यों पॉजिटिव टेस्ट देता है भाई? क्योंकि यह अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट हो गया, जिसकी वजह से यह पॉजिटिव टेस्ट आयंस का देता है। जबकि दूसरी तरफ बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो यह अपने आयन का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि यह पूरी तरह से अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक, जिसकी वजह से यह सॉल्यूशन में डिजॉल्व भी नहीं होता है, ठीक। तो वाटर में अगर डालोगे आप वाटर को लेकर, तो डबल सॉल्ट क्या होता है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, ठीक। तो चलिए जी वही लिखेंगे हम, एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड के डिवीजन की, मोलिकुलर कंपाउंड इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाई? डबल सॉल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डिनेशन कंपाउंड। अब चलिए जी डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अदर जो फर्दर जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है डिफरेंस, ये आपको समझना होता है, और फिर मैं कंसंट्रेट हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, जो मेरा चैप्टर्स का नाम है। तो चलिए जी नोट कीजिए, उसके बाद कोऑर्डिनेशन डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन का डिफरेंस बताया जाएगा आपको।
चलिए डबल सोल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, जो आपको पूछे जाते हैं, डबल सोल्ट्स क्या होते हैं भाई? डबल सोल्ट्स बनता है इट इज फॉर्मेड बाय इक्वी कम बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट by equimolar proportion by equally molar proportion. इसमें क्या होता है, जो मोलर प्रोपोर्शन होता है सिंपल डबल सॉल्ट्स में वह सेम होता है, इसमें भी किसी केस में सेम होता है, ठीक. इट इज फॉर्मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट बाय और नॉट इक्विमोलर प्रोपोर्शन इक्वली मोलर प्रोपोर्शन. यानी मोलर प्रोपोर्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है प्रोपोर्शन. लेकिन यहाँ डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट होता है इट इज फॉर्मेड बाय या कोऑर्डिनेट बाउंड. फर्स्ट पॉइंट ये होता है, सेकेंड पॉइंट बनता है इट इज फॉर्मेड बाय आयनिक बाउंड. Therefore, जिसकी वजह से they are dissociate in their constituent ion on dissolving in water. जैसे ही आपको आप इसको वाटर में डालेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यह आयनिक बॉन्ड से बना होता है. लेकिन ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना होता है. इट इज फॉर्मेड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड. देयरफॉर जिसकी वजह से do not dissociate in their constituent ion. और एक और बात होती है, जब भी ये अपना डिजॉल्व हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, तो डिसोसिएट होने की वजह से ये क्या करता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट ऑन देम. जितने भी आयन इसमें प्रेजेंट होते हैं सारे आयन का यह पॉजिटिव टेस्ट देता है. लेकिन इसकी तरह इसमें क्या करता है, it does not give positive test of all the ions present on them. इसमें जो आयन प्रेजेंट होते हैं सारे आयन का एक पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, इसलिए ये डिफरेंस होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट्स में. ये आपसे पूछा जाएगा. एक और आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें वो भी होता है, क्या होता है भाई, ये एक्वा सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होता है, ये एक्वा सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है. इसमें अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग फोकस करेंगे, डबल सॉल्ट्स की हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो आयनिक मोड से बना होता है और वो हम लोग कवर कर लेते हैं, जिसमें भाई
केमिकल बॉन्डिंग में ये चैप्टर ये वाला हम पोर्शन कवर कर लेते हैं। तो जो मेरा छूटा हुआ पोर्शन रहता है कौन सा पोर्शन रहता है कि जो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं वो पोर्शन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसी को आज हम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तब तक आप इसको नोट कीजिए, फर्दर में इस आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताने वाला हूँ। चलिए अभी तक आपको मैंने इस लेक्चर्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्या क्या बताया, एडिशन और मोलेकुलर कंपाउंड बताया, उसके बाद मैंने डबल सॉल्ट्स के बारे में बताया, उसके बाद डबल सॉल्ट के बाद मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया, दोनों के बीच डिफरेंस बताया। और अब मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टडी होती है पूरी डिटेल में वो बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली जो एक ब्रैकेट होता है जिसको स्फीयर बोलते हैं, स्फीयर, इसको क्या बोलते हैं स्फीयर, स्फीयर के अंदर कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। ये क्या होता है, आयनाइज्ड नहीं होता है, ये होता है आयनाइजेशन कंपाउंड, आयोनाइजेशन कंपाउंड। अब इसको आयनाइजेशन कंपाउंड क्यों बोलते हैं भाई, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। जब भी ब्रैकेट के अंदर जो भी कंपाउंड होगा ये बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, और जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो ये क्या करता है, डिजॉल्व में था कंस्टिट्यूएंट आयन में, तो ये क्या होता है, इट इज फॉर्मेड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज फॉर्मेड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या किससे बना होता है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना होता है। ठीक, अब चलिए भाई इसी कड़ी में आपको एक अच्छा बताते हैं कि क्या होता है, जैसे कि कितने टाइप के होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए जिस एक होता है सिंपल, जैसे कि KCl और ये हो गया FeCN4। ठीक, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना होता है, जबकि ये किससे बना होता है, इससे बना होता है आयनिक बॉन्ड से। तो दिस इज कंपाउंड सिंपल सॉल्ट। अब देखिए अगर दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक दो ये हो गया पहला, दूसरा क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा ऐसा भी आपको मिल सकता है कि FeCN4 और CuNH3 4 बॉन्ड हो सकता है, इसमें टू बॉन्ड लेते हैं, टू लेते हैं, इसी क्या होता है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी कंपाउंड, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा ना, होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये दोनों होता है जो इसको बोलते हैं सिंपल कंपाउंड, सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको बोलते हैं। ठीक, इसको कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस प्रकार से होता है। ठीक, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं, क्या क्या आपको बेसिकली इसमें सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होते हैं सब ठीक, उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर की पूछेगा। तो वो बेसिक चीज़ें मैं आपको जितनी भी बेसिक चीज़ें होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने के लिए वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ठीक, पहले इसको साफ कर देते हैं, ठीक नोट कीजिए उसके बाद। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसके पहले मैं आपको सबसे जो आसान तरीका होता है जिसमें आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसोसिएट करने के तरीके आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि के हो गया FeCN6। अब इसको जब वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, के प्लस और प्लस FeCN6 माइनस, ये डिसोसिएशन होता है इसका। ठीक, इस प्रकार से इसका डिसोसिएशन होता है। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा तो उसका डिसोसिएशन कैसे होगा भाई, जैसे कि FeCN6 CuNH3 मान लेते हैं, NH3 4। ठीक, अब इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, FeCN6। अब दोनों पर चार्ज के हैं, प्लस हो जाएगा ये केटायन है और ये एनायन है, CuNH3
इन इज 3 4, ये माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से इसका डिसोसिएशन होता है, इस प्रकार से इसका डिसोसिएशन होता है। ठीक, अब चलिए ये वाला हो गया आपको सबसे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है इसमें, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, वह एटम्स जो क्या करता है, वह सेंट्रल एटम इज दोज मेटल व्हिच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद एटम्स और मॉलिक्यूल, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करके क्या करता है, जो जिस एटम और मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करके जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उस मेटल को कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अच्छा इसमें एक और चीज आप पहले एनालाइज की, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनता है, इस स्फीयर के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और इस स्फीयर के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो इसके बीच बनता है एफ के अंदर और सी एन के अंदर, और सी एन क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर देता है किसके, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को यानी एफ को, और क्या बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जितना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ठीक, अगर यूनिडेंटेड लिगेंड बाद में बताया जाएगा, अगर सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम क्या होता है, वह एटम्स सेंट्रल मेटल एटम्स, वह मेटल्स होते हैं जो क्या होता है, एटम्स और मोलिकुल से इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फंक्शन करते हैं, उसको सेंट्रल मेटल एटम कहा जाते हैं। ठीक, दोज मेटल विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय गेमिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर एटम और मोलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रल मोलिक्यूल। बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वह डी ब्लॉक मेटल्स काम करता है, सेंट्रल मेटल एटम की तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम की तरह से कौन व्यवहार करता है, डी ब्लॉक क्यों व्यवहार करता है भाई, देखो सेंट्रल मेटल एटम की व्यवहार करने की जो टेंडेंसी होती है डिपेंड करती है कैसा डी ब्लॉक व्यवहार करता है। अच्छा, सबसे पहले हम सोचते हैं सेंट्रल एटम क्या कर रहा है भाई, सेंट्रल एटम कर रहा है एटम्स और मॉलिक्यूल से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण कर रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण कर रहा है तो उसकी क्या होनी चाहिए, ग्रहण करने की क्षमता भी तेज होनी चाहिए, तभी ना व्यवहार करेगा ज़्यादा। अच्छा, डी ब्लॉक की व्यवहार देखते हैं, डी ब्लॉक की साइज स्मॉल होती है। ठीक, डी ब्लॉक की साइज स्मॉल होती है, अच्छा साइज स्मॉल होगी तो क्या वो ग्रहण तेज करेगा, हाँ साइज अगर छोटी होगी तो आसानी से ग्रहण कर लेगा, क्यों साइज ग्रहण कर लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत तेज रहेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का, और अट्रैक्शन बहुत तेज रहेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे उसके पास आ जाएंगे और आसानी से बॉन्ड बना लेगा। अच्छा दूसरी बात, अच्छा एक अट्रैक्शन किसको बोलते हैं, अच्छा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, अच्छा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, अच्छा अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्शन फुल करेगा और ज़्यादा आसानी से बॉन्ड बनेगा। अच्छा दूसरी चीज, तो साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये नोट कीजिए। उसके बाद क्यों डी ब्लॉक एक्ट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, उसके बारे में अभी बताते हैं।